नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको देता चलूं कि एक मरीज को कुछ तीमारदार जब एक बहुचर्चित गुंडा के अस्पताल आर्यन पांडे लेकर आज शाम पहुंचते हैं, जैसे या बीमारी की वजह से मरीज की मौत हो जाती है, उसके बाद तीमारदार गुस्से में आकर जमकर हंगामा करते हैं। ये पूरा मामला हुआ जब अंजनी नाम की एक मरीज, महिला मरीज को आर्यन पांडे हॉस्पिटल शाम को लाया जाता है और उसको एडमिट कराया जाता है। जब उसका इलाज चल रहा होता है उस वक्त परिवार का यह आरोप है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही की जाती है। लापरवाही की शिकायत जब वो दूसरे स्टाफ से करते हैं तो उनका बातें चलती रहती है कि फला आ रहे हैं, फला डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उसके बाद शाम को जब मरीज की मौत हो जाती है तो मरीज के साथ आए हुए तीमारदारों द्वारा जमकर हंगामा किया जाता है, और हंगामा इस कदर किया जाता है कि उनके हाथ जो भी लगता है वो पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ मचा देते हैं। डॉक्टर की केबिन के पास जो भी पार्टीशन है उसको फोड़ते हैं, मेडिकल स्टोर के शीशे को फोड़ते हैं, जिसके शीशे से अस्पताल के स्टाफ को भी चोटें लगती हैं। कुछ स्टाफ तो गंभीर चोट खाने से भी बचते हैं। जमकर हंगामा होता है, पूरे अस्पताल में खून बिखर जाता है। ये पूरा मामला जब पुलिस को पता लगता है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और सीसीटीवी खंगालती है। ये दादा को बताया जा रहा है, अभी ये यही से चालू हुआ है, यही से ये गाली दे रहा है। ये अब आप चीज से पहले मारे जाए, ये कौन है, ये कौन है? ये शिक्षक साहब के दादा आए थे देखने मिलने, अब ये चल रहा है। ये वही है सब लड़की के, चारों शीशा लेके सबको, ये देखिए इधर वाला है, ये अब रेड वाला है, और है और कुछ है, और कुछ है गंगा जितना ही था बस। ये सब उस साइड रखा बैठने के लिए, हाथ नहीं, हाथ नहीं, ले आ दो। ये देखे स्टूल, ये इसी से बना रहा सामने वाले, ये इसी सा, ये ये मेडिकल ये खुद गए हैं बुला के उसके को ये बहुत बड़ा मामला निकल कर आया है आज गोंडा से। एक तरफ तो मरीज की मौत होती है, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगता है, दूसरी घटना तीमारदारों द्वारा जमकर हंगामा करना होता है, ये दूसरा मामला था। और तीसरा मामला तब निकल कर आता है जब पत्रकारों को वहां मारा जाता है, और ये बहुत बड़ी घटना। इसके बाद पुलिस पहुंचती है, पत्रकारों को हटाती है, तीमारदारों को वहां रोका जाता है, और ये घटना बहुत बड़ी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या कुछ हुआ हम डाल रहे हैं, और अस्पताल के संरक्षक फाउंडर डॉक्टर आर्यन पांडे ने इस पूरे मामले में क्या कहा है वो सुनिए। मरीज, महिला मरीज जिसकी मृत्यु हो गई है, उनके तीमारदारों ने क्या कहा है वो सुनिए। सर, ये क्या घटना आज हुई है आपके आर्यन पांडे हॉस्पिटल में? जो भी हुआ है वो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी अस्पताल में। ये लड़की 23 साल की है और ये
क्वाड्रीपेरेसिस बीमारी से ग्रसित थी, जिसमें पूरे इसके अंग उठ नहीं रहे थे। सर के ऊपर की केवल आवाज़ें आ रही थी, बाकी सारा कोई अंग इसका काम नहीं कर रहा था। और ये कई जगह दिखा चुके हैं, बस्ती, गोरखपुर, सब जगह दिखाने के बाद यहाँ लेकर के आए थे। इनको हमने देखा, देखने के बाद इनकी स्थिति की गंभीरता के बारे में इनको हमने सलाह दी और इनको हमने लखनऊ जाने के लिए कहा। इनकी आईसीयू में शिफ्ट करने रहा, ये लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और जिद करके यहाँ टिके रह गए, सामने एमरजेंसी में लेटे रहे। और संजोग से पेशेंट की स्थिति नाजुक थी और उसमें इलाज के उपचार के दौरान उसकी दिक्कत हुई और जिसमें मौत हो गई। उसके बाद परिजन लोग हंगामा खड़ा किए, तोड़फोड़ किए और इसी स्थिति उत्पन्न की। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये कहीं भी इस तरह से करने से भविष्य में कोई भी डॉक्टर सीरियस मरीजों को लेने से पीछे हटेगा और उसको जो भी दो चार पेशेंट हमारे से बचते हैं उनको बचने में दिक्कत होगी। तो पेशेंट का नाम क्या था और आपके यहाँ वो कब एडमिट हुए थे? पेशेंट का नाम अंजलि था। शाम को वो हमारे पास 4 बजे के बाद आई थी और ये 2-3 घंटे के अंदर ही दिक्कत हुई इसको। अच्छा, आज ही आई थी? हाँ जी, आई थी शाम को। क्या एज होगी? एज करीब 23-24 साल की। तो आपने इस पूरे बीमारी के बारे में और ट्रीटमेंट को लेकर घर वालों को आगाह कर दिया? हाँ, पूरी अच्छी तरह से उनको समझाया था और ये कई जगह दिखा चुके हैं, लखनऊ, गोरखपुर और क्या नाम है, गोरखपुर बस्ती में सूर्यास्ताल यहाँ दिखा चुके हैं, कई जगह दिखा चुके हैं। दिखाने के उपरांत हमारे पास आए थे और स्थिति गंभीर थी। तो घर वाले का जो जिस तरह का व्यवहार था, इसमें क्या आपके स्टाफ को चोटें आई हैं, क्या नुकसान हुए हैं? ये इन्होंने तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़े हैं और स्टाफ को भी हाथ में चोट लगी है, शरीर में चोट लगी है कि और नुकसान, भारी नुकसान इन्होंने किया है। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, सूचना हमने दे दी, पुलिस आ गई है। क्या चाहते हैं आगे आप? हम कुछ नहीं चाहते हैं, परिवार के साथ दुखी हैं, हम भी दुखी हैं कि मगर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और जो भी चाहिए किए और गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया, क्या नाम है आपका और क्या मामला है? मेरा नाम मोनू सोनकर है। क्या हुआ है? मेरी बहन का तबीयत खराब था और उसके बाद में लाया गया तो ग्लूकोज लगाया, उसके बाद में कहा ठीक हो जाएगा, उसके बाद में जांच लिखे, जांच कराने गए, बोला कि 9 बजे 9:30 बजे सर आएंगे, कहा ठीक है वेट करो। उसके बाद में कुछ ही देर बाद में सब कोई स्टाफ नहीं था, उसके बाद में हमने गया ढूंढा कि मेरी बहन तो बोल नहीं रही है। उसके बाद में 2-4 डॉक्टर आए, देखने लगे, बोला सीरियस है, ये नहीं बोला कि क्या हो गया, बोला सीरियस है। उतनी देर में मेरी बहन मुझे छोड़ दी और जब गुस्से में आके टिश्यूल फेंक दिया तो पूरा स्टाफ ने मिलकर मुझे मारा, मेरे मम्मी को मारा। कौन से हॉस्पिटल का मामला है, कहाँ लेकर आए थे आप? आर्यन पाणे में। बहन की उम्र क्या है, क्या और किस बीमारी में लेकर आए थे? मेरी बहन की उम्र 23 साल है। क्या नाम था? अंजनी। बीमारी क्या थी? उसकी कोई हाथ पैर उठ नहीं रहा था, कुछ मारपीट भी हुई है। हाँ, उधर से पूरे स्टाफ ने मारा। हाँ, मैंने गलती किया, गुस्से में फेंक दिया तो तुम क्या मारोगे, हमें समझाओगे या मारोगे? तो अब क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहेंगे, हमारी बहन थोड़ी मिलेगी, मेरी मम्मी भी हो से पहले उन्हें जाने दो, फिर बताऊंगा क्या करना है सर। तो आपने तमाम चीज़ें देखी होंगी, उम्मीद करते हैं क्या सही है क्या गलत आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमसे जो कोशिश हुई सबका पक्ष रखने की, हमने पूरी कोशिश की है क्या सही है क्या गलत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग सही है और उनके साथ लापरवाही के कारण या जबरन गलत हुआ है उनको न्याय मिल सके। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।